जंप जंप, वन टू थ्री जंप। तो हम जा रहे हैं सुनपुरी, और इस जगह का पास्ट ये रहा है कि यहाँ पे इस जो जगह पे हम खड़े हैं अभी, ऐसे बोलते हैं यहाँ पे एक राजा का महल था, और तब उसकी वजह से इस जगह का नाम सुनपुरी पड़ा। और कहाँ से रास्ता, धूप भी तेज़ है अभी लगी हुई। और हम एक गुफा में भी जाएंगे, वहाँ पे शिव जी भगवान की पिंडी है, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। वो बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि वो पांच पांडवों ने बनाई थी, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे ही। देख सकते हो घास कितनी अच्छी हवा चल रही है, वाओ। देख सकते हो कितनी कितना गहरा है, मतलब अगर गिर गए तो बस काम तमाम। कितना प्यारा दिख रहा है, और ये जो साइड में नवरात्रे लगे थे अभी, टेंट वगैरह जो स्टॉल्स लगी थी वहाँ पे, वो सारी जा रही है, अपने अपने घर जा रहे लोग। चलो भाई साहब, कितना प्रीटी है ये। ढाक चढ़ना होगा पर जाना वहाँ को, मेरे को भैया ने शूज अपने दे दिए, मैं चप्पलें लेके आ गई, ये गलती कर दी बेचारी ने, खुद चप्पलें पहनी। हम चढ़ी रहे अभी तक नहीं पहुंचे, और 12 बज गए हमारे, घास तो बहुत ही ज़्यादा है। वाओ, यहाँ पे घास काटा हुआ अपनी साइड, अपनी साइड को नहीं है। देखो हवा तो इतनी खतरनाक है ना, तो बहुत अच्छी है, और काफ़ी हद तक ऊपर पहुँच गए हम। यहाँ पे एक क्या कहते हैं इसे, टूटा हुआ घर टाइप है किसी का होगा शायद, और यहाँ पे थोड़े माता के पेड़ भी लगे हुए हैं, ये वाले नाशपति का है कि सेब का पता नहीं। यहाँ पे एक टंकी भी है पर इसमें पानी नहीं आता, हम पहले भी काफ़ी बारी आए इधर पर वहाँ पर पानी नहीं होता कभी भी, हमेशा हमें इस प्रॉब्लम में फंसते थे कि पानी कहाँ से पिए अब, बट इस बारी हम घर से लेके आए, अच्छा काम किया मैंने इस बारी। अरे रब, यहाँ पर थोड़ा घास कटा हुआ था, पीछे देख लो आप, थोड़ा थोड़ा कटा हुआ था। अब यहाँ पर अब हम पहुँचने वाले, थोड़ा नज़दीक रह गया, और यहाँ ऊपर पर फिर से घास स्टार्ट हो गया है, तो फिर चलते हैं वहाँ पे। रुक जा भैया, घास घास में चले हम ये है सुनपुरी, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, लुक एट द व्यू, पैराडाइज से कम नहीं है जगह, बहुत ही सुंदर है। आउच भाई, पत्थर स्लिपरी, जूते स्लिपरी, घास भी स्लिपरी। इधर ऐसा लग रहा है किसी हाथी सोया हुआ होगा यहाँ पे। पहुँच गए, वाह है, हो भी सकता है कैसे बना है ना ड्रोन जैसा। यहाँ पे दिखा फॉक्स, दिखा हो गया, इतने क्यूट से थे यहाँ पे, घास देख रहे हो गिरे हुए लेटे हुए टाइप, यहाँ पे देखो ये सारे शायद इन्होंने ही है बनाए वैसे, वो देखो आगे सामने कितना क्यूट है, अगर दिख रहा होगा मे भी, घास लंबा है ना कि भैया। यहाँ पे गुफा भी होंगी फिर, है ना, वाह यहाँ पे कितना प्यारा बना हुआ है, पानी पिए यहाँ पे।
लिए जा रहे हैं। कितना प्यारा है ना, ऐसा मन कर रहा है बैठ के बस बिस्ला लगा के सो जाओ। कितना सॉफ्ट है, कितनी प्यारी लग रही है ये जगह। हाय रब्बा घास रास्ता। वाओ लुक एट द व्यू, ये है डैम हटकुटी डैम। यहाँ पे भी एक दिन हम स्पेशली जाकर एक व्लॉग बनाएंगे। कितना सुंदर लग रहा है ना, ज़्यादा आंखों से देखी हुई चीज़ ज़्यादा प्यारी लग रही है। इतनी ज़्यादा इस पे भी नहीं लग रही होनी शायद। कहाँ से जाए, यहाँ से नहीं है रास्ता भी, यहाँ पर एक लिया वो वहाँ पर है। हाँ तो हम गलत जगह पे आ गए, हम बहुत पहले भी एक दो बारी आए हुए हैं। जब शिवरात्रि होती है तब आया भी हम, है ना शिव। मेरे को आगे चलने दे यार, तूने चप्पलें पहनी हुई है ना, प्यारा है ना। यहाँ से ना कितनी अच्छी ऐसे बनाए हुए रास्ते। हाँ यहाँ पे तो लुढ़क लुढ़क के खेले है शायद, देखते इधर प्ले नहीं कर दिया। सो यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा अच्छा ये रहा पार हटकुटी, हटकुटी सॉरी सावड़ा, सावड़ा डिप्पू कुछ भी बोल सकता है इस जगह को। ये रहा नीचे डैम और हम यहाँ से जाने वाले हैं। ध्यान से चलिए, गिरी मत, मैं खुद भी नहीं गिरी थी फ़ोन में देखते देखते। यहाँ से ढांके मारी, मम्मा डांट रहे थे कि संभल के जाना। मम्मा तो पहले भेज ही नहीं रहे थे, कहते खुद आऊँगी मैं तब चलेंगे। गिरी मत, हवा चली बहुत। डिस्कवरी चैनल वाले डिस्कवर कर रहे हैं। चल रही है कि चला भी जा रहा, धक्के लग रहे हैं और यहाँ नीचे रास्ता भी नहीं दिख रहा है। बहुत सारा घास उग गया है तो झाड़ी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है और वहाँ निचली तरफ भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे लग रहा है। और फ़ोन तक नहीं संभाला जा रहा, इतनी तेज़ हवा चल रही है, आँखें भी बंद हो रही है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम इससे नीचे नहीं जाएंगे, हम आप लोगों को कभी और दिखा देंगे मंदिर ज़रूर। सॉरी इसके लिए, बट मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से इस पोल के साइड में मंदिर है नीचे, बट यहाँ पे इतनी सारी झाड़ियाँ इकट्ठी हो गई है कि इधर से रास्ता है इस पत्थर के आगे से जाना था हमारे को वहाँ से। पर यहाँ नीचे बहुत ज़्यादा हवा भी आप देख सकते हो कितनी तेज़ चल रही है, आवाज़ भी आई रही होगी आपको। और यहाँ नीचे देख लो आप कितना ज़्यादा हुआ है, क्या कहते हैं, झाड़ी झाड़ी है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो इतना ज़्यादा हमें खतरा ना लेते हुए वापस चले जाना चाहिए। यहाँ से रास्ता था और दिख भी नहीं रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा। और इन पत्थरों के पास जाना था, वहीं से नीचे थी मंदिर। हम भी इसी सोच के आए थे कि हम चले जाएंगे, पर नहीं जा पा रहे। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि बालों से ही देख लो आप, इतनी तेज़ हवा चल रही है, खड़ा भी नहीं रह जा रहा जगह पर। और ये जगह है भी थोड़ी ढांक के साइड, यहाँ से बहुत बड़ी खाई है तो ज़्यादा ही हवा चल रही है, तो रिस्क नहीं ले सकते हम अपनी मम्मा पापा के तीन लौते बच्चे हैं। जान को हम नुकसान नहीं दे सकते, वरना मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग कौन देखेगा अगर कुछ हो गया। पहुंच गए वापस, ये बहुत प्यारी जगह दिखाती हूँ आपको। कुछ तो खा ले, ये तो पता क्या है कुछ कर नहीं पाए, बट कोई बात नहीं, कभी और आएगा व्लॉग, वेट करना आपने। जब घास काट लेंगे लोग यहाँ पे जाए के लिए काटते लोग घास, तो जब काटेंगे तो हम आपको दिखा पाएंगे, वरना अभी नहीं दिखा पाए। बुरा तो लग रहा है, ऊपर आई मैं अभी पतली हो जाऊँगी। रास्ता ही बड़ा ख़राब है यार, सोचा नहीं था वरना आते नहीं अभी। चलो कोई बात नहीं, भगवान ने सोच के भेजा होगा हमको यहाँ तक भी कि चले जाओ
जाओ अमीशा एक व्लॉग बना दो। मेरा भाई बेचारा धोबी की तरह चलता, दिखाती हूँ आपको। ये रहा लिफाफे चपते हुए चला इतने घास में, इसके ऊपर नहीं वहाँ पे चलते जहाँ पे वो प्लान जगह थी, प्लेन जगह आई मीन टू से। ज़्यादा घास उगा है कि हमने इस टंकी पे जाना था, ये वाली टंकी, यहाँ से रास्ता था और यहाँ पे देख सकते आप कितनी झाड़ी होगी, फ़ायदा नहीं हुआ आने का। आप निराश मत हो, कोई बात नहीं। हम फिर आएंगे जोश के साथ साथ। मेरी दीदी को भी आना था बेचारी को, बट उसके पापा बच्चे आ गए थे ट्यूशन वाले, तो वो नहीं आ पाई, तभी शायद हम भी जा नहीं पाए पूरी तरह से। जब वो आएगी क्या पता तब जा पाए ढंग से। तो अब हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, चीजी खाएंगे, तो वापस जाएंगे। आप लोग कहीं भी जाओगे घूमने, कहीं भी सुंदर सी जगह पर, चाहे गंदी सी जगह पर, जहाँ पे भी जाओ, हमेशा अपना पूरा साथ मिल जाएगा। क्योंकि फिर ऐसे प्लेस पे ना लोग आने देते, हम बहुत पहले एक बार आए थे, यहाँ पे इतनी गंद थी ना मचाई हुई लोगों ने, यहाँ नीचे चौकीदार थे मंदिर वाले में थे, तो वो ऊपर आने नहीं देते थे लोगों को कि उसकी साइड गम फेंक दिया फिर लोग ना, जैसे कागज़ वगैरह यहाँ पे भी कुछ विंगम्स के कागज़ पड़े हुए, पानी की बॉटल, ये वाली पानी की बॉटल भी यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो अपने साथ ले जाना चाहिए सामान। चलो वापस। तो वापस चल पड़े हम निराशा के साथ। नहीं, मैं आप लोगों को फिर लेके आऊंगी, कागज साथ में ले जा रही हूँ। बेस को पैकेट में डालियो। हम गए थे गुफा, कौन सी वाली? वो वाली नहीं, नहीं ज़्यादा अंदर, मैं खुल और देती हूँ। ये था मेरा भाई जिससे मेरे साथ बहुत मेहनत की। यो हो गाइस, मजा आ गया आज चल के। पतली हो जाओगी, मैं थोड़ी सी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मोटी हूँ चाहे पतली हूँ, मैं मोटी क्यूट लगती हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो
यू थैंक यू। अरे भाई की स्पीड तो देखो, मेरे को छोड़ के भाग रहा है फटाफट। मैं बिचारी कन्या सुकुमारी, आउच, देखो देखो ड्रम में। ड्रमची नंबर दो, नंबर वन मैं हूँ क्योंकि ऊपर गए थे हम, इससे भी ऊपर है तो थोड़ा ही दिख रहा है, उसके ऊपर थोड़ा स्पेस है, फिर उसके ऊपर एक और जगह है। मुझे पता है आप लोगों को जगह तो बहुत ही प्यारी लगी होगी, कुछ लोग तो आए भी होंगे यहाँ पे, बट जो नहीं आए ना वो दूर से इधर से कर लो। तो हम भैया से पूछना चाहेंगे, भैया कैसा लगा आपको ऊपर जाके बताइए। मुझे काफ़ी डर लग रहा था वहाँ आगे, इतनी हवा चल रही थी कि मैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे एक वक्त। तो मैं सोच रहा था हमें वापसी जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था आज हमारा सफर पूरा हो पाएगा, पहुंच पाएंगे घर अगर हम वापस नीचे गए होते तो इसलिए मैंने ये सोचा कि हमें वापसी जाना चाहिए। बड़ा भाई होने के नाते मैंने अपने छोटे बहन की रक्षा की। तो अब हम वापस जा रहे हैं, पहुंच गए हैं यहाँ पर। भाई व्यू तो देखने लायक है, लड़की नंबर वन। हाँ भाई लड़की नंबर वन है ये लड़की।